उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपने जीते जी अपना क्रियाकर्म कर लिया और अगले दो दिन बाद यानी आज सच में बुजुर्ग के शरीर से प्राण त्याग दिए। बुजुर्ग ने अपने जीते जी तेरहवीं की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद बुजुर्ग ने अपने ग्रामीण व रिश्तेदारों को तेरहवीं का निमंत्रण दिया, जिसमें लगभग 800 लोग मृत्यु भोज में शामिल हुए और जिसके बाद यह युवक खूब चर्चाओं का विषय बना। लेकिन आज इसके शरीर ने अपने प्राण को त्याग दिया और आज मौत हो गई। जबकि मृतक हुकुम सिंह ने अपनी 10 बीघा जमीन को बेचकर अपना अंतिम संस्कार किया और मृत्यु भोज कराया था, जिसमें 800 लोग शामिल हुए थे। हमारा दयाराम नाम है सर, दयाराम बघेल। दयाराम जी, कल दो दिन पूर्व यहाँ हाकिम सिंह जो रहते थे, आज उनकी मौत हुई है, यहीं पर मौत हुई? हाँ, यहीं पर हुई है। और क्या यहीं की उन्होंने तेरहवीं कराई थी? हाँ, यहाँ बगल में ये है बेसमेंट, यहाँ पर तेरहवीं हुई है उनकी। अच्छा, क्यों तेरहवीं करानी पड़ी जीते जी उस व्यक्ति को? तेरहवीं सर ये वहीं पर रहते, आज अभी ठंड पड़ने लगी, हफ्ता 10 दिन थे तब से यहाँ इनकी खाट आ गई। तो पहले ही अपने बता रहे हैं लोग कि उन्होंने कुछ जमीन अपनी बेच दिया है, तो उसमें पैसे होंगे इनके पास, अपने पीते खाते भी है, दारू वारू भी पीते थे। और यहाँ पर फिर उन्होंने आपस में दो चार आदमी उनके साथ वाले थे, उन्होंने सलाह किया हम तेरहवीं करेंगे, मृत्यु भोज करेंगे। कौन सा नाम? नहीं, जरूरत क्यों पड़ी उनको मृत्यु भोज करने? अब ये नहीं हम कहानी बता सकते साहब, ये हमें नहीं मालूम। उन्होंने अपनी 10 बीघे जमीन बेचकर अपनी, हाँ यही बताया उन्होंने, हमने भी यहाँ पूछा एक दिन कि क्या किया। संबंध उनके कैसे थे? घर वाले भैया हम अभी नहीं जानते, अभी आजकल से है। हाँ, ये घर वाले हम नहीं जानते कौन घर वाला क्या है, हम तो दूर। तेरहवीं में करीब 2-3 से आदमी खाया होगा, 3 से 4 से आदमी। कहाँ रहते हो? मुंशी नगर। आज ये कार्यक्रम आप करा रहे हैं जी, आप क्या मतलब है आपका, क्यों करवा रहे हो? हम खास रहे तो खाओ, जिंदा में खवा रहे। जिंदा में खवा रहे हो? क्यों, आपके बच्चे नहीं है? कोई भाई भतीजा कोई? सब है, लेकिन सब ने कब्जा कर लिया, मकान छीन लो, जमीन कब्जा कर लिया। भाई भतीजे ने मतलब मकान भी छोड़ लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया। फिर आप खा कहाँ से रहे हैं, क्या करते हैं आप? ऐसे खा ले रहे हैं। मतलब ऐसे ही खा रहे हो, मतलब कोई काम धंधो ना है तुम्हारे पास? मुझे भी करवा था तो बड़ा खा लेता हूँ। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? होगी 55 के करीब। तो उद्देश्य ये है आपको के मतलब ज्यादा बना कर रहे हो, मतलब जिनको खा लाओ उनको खिला दें, बाद में किसी पर भरोसा नहीं है करेंगे या नहीं करेंगे। जब वो जमीन लेंगे आपकी, फिर करना चाहिए उन्हें? अरे जमीन जो सी लठे बात तो दी हमारी यहां से, मारो मारो तोड़ो आपको लठे बात तो। कितने भाई ने भतीजे ने? कौन है? अच्छा अच्छा, कितनी जमीन है आपका? नीचे कर लो, कितनी जमीन है आपको? अच्छा, जे तुम जो मृत भोज कर रहे हो तो जी पैसा कहाँ से लाए आप? पैसा जमीन बेची 10 बजे हमने। 10 बजे जमीन बेच के तब कर रहे हो? कितना रुपया खर्च हो जाएगा जहाँ में? 50,000 करीब खर्चा कर रहे हो, मतलब जिंदा पे ही मृत भोज कर रहे हो, किसी पे भरोसा नहीं है आपको, कोई कुछ करेगा या नहीं करेगा। चलो ठीक है।